हवामान विभागे जाहिर करेली माहिती मुजब राज्य में आ वर्षे 100% पर वरसाद नोंधायो छे। जेमां सौथी वधु कच्छ सौराष्ट्र में वरसाद नोंधायो। अमदावाद, गांधीनगर और वडोदरा में सीजन करता ओछो वरसाद रह्यो। 1% वरसाद पड़ता आ घट पूर्ण थशे तेमज आगामी समय में राज्य में भारे वरसाद की शक्यता नहीवत छे। वरसाद पगले साबरमती नदी में पानी की आवक थी है। उपरवास में भारे वरसाद ने पगले धरोई डेम में पानी छोड़वामां आव्युं। डेमनुं जलस्तर जाळवी राखवा माटे साबरमती नदी में पानी छोड़ायुं छे। साबरमती नदी में 20,200 क्यूसेक पानी की आवक नोंधाई। वासणा बेरेजना 15 दरवाजा खोलवामां आव्या। पंचमहाल शहरा में वरसी रहेला सतत वरसाद ने कारण शहरा तालुका में 100 उपरांत काचा मकानों ने नुकसान पहुंचू छे। शहरा तालुका बोरणी, अणियाद, बामरूली, दलवाड़ा, पोयड़ा, नाडा, कोठा सहित गामों में काचा मकानों ने नुकसान पहुंचू। आंगे तलाटीओ शहरा पंचायत ने रिपोर्ट सौंपवामां आव्यो छे। छेल्ला 3 दिवसथी राज्य में विविध जिल्ला में भारे वरसाद वरसी रह्यो छे। त्यारे उपरवास में थयेला भारे वरसाद ने कारण बजाज सागर डेम में छोड़वामां आवेला पानी ने लईने मध्य गुजरात में सौथी मोटो कहेवात। कडाणा डेम में पानी की भरपूर आवक थता कडाणा डेम संपूर्ण भराई जता डेम में लाखों क्यूसेक पानी महिसागर नदी में छोड़वामां आव्युं। नर्मदा डेम में पानी छोड़ता भरूच अंकलेश्वर में सर्जायेला पूरना संकट दृश्य सामे आव्या छे। जो कि आ मानव सर्जित पूर होवानो आरोप लगावामां आव्यो छे। ब्रिक्स वॉटर रिसर्च सेंटर सरकार सामे आक्षेप मूक्यो छे कि सेंट्रल वॉटर कमीशन अनुमान साथे चेतवनी आपी हती। जो 14 અને 15 सप्टेम्बरे सरदार सरोवर डेमना दरवाजा खोलवामां आव्या होत तो पूर न आव्यु होत। पाटण सहित उपरवास में पड़ेला भारे वरसाद थी नदीओ जीवंत बनी छे। सांतलपुर राधनपुर वच्चे थी पसार थती बनासकांठा नी बनास नदी में नवा नीर आव्या। अबियाणा गाम थी पेदाशपुर वच्चे पसार थती बनास नदी में नवा नीर आवता खेडूतों में खुशीनो माहोल छे। नदी में नवा नीर नी आवक थी 8 गामोनो रस्तो बंद करायो। राज्य में आदिजाति और शिक्षण मंत्री डॉक्टर कुबेर डिंडोरे महिसागर जिला ना पूरग्रस्त विस्तार की मुलाकात लीधी थी। डॉक्टर किबोर डिंडोर साथ वधु पूरग्रस्त राबड़िया गामे पहुंचा था। तो राबड़िया गाम की आसपासना खलासा 1 और खलासा 2 की मुलाकात कर सहाय अंगे खातरी आपी थी। बहुचराजी पूर्व धारासभ्य भरत ठाकुर राज्य मुख्यमंत्री ने पत्र लिख्य है। बहुचराजी तालुका में पाक ने थे नुकसानी सर्वे कर त्वरित सहाय चुकवी मांग की है। महत्व है कि बहुचराजी तालुका में 7 ઇંચ जटला वरसद ने कारण पाक ने व्यापक मात्रा में नुकसान पहुंचू है। बायड़ना अपक्ष धारासभ्य मुख्यमंत्री ने पत्र लख्यो हतो। अपक्ष धारासभ्य धवलसिंह झाला नुकसान वर्तन की मांग करी छे। तेमणे लखेला पत्र में अरवली जिल्ला में भारे वरसाद ने कारण खेडूतों में जे थयेला पाकना नुकसान थे ते माटे वर्तन की मांग करी हती। सूरतना अडाजण में आवेल श्री कवि कलापी गार्डन में दूषित पानी की समस्या ने पगले हजारों मछलियों मौत थया था। मछलियों मौत ना पगले गंदगी साथे ज लोकोने रोगचाळो फैलावानो भय पण सतावी रह्यो छे। हाल एक तरफ वलसाड जिल्ला में वरसाद पड़ी रह्यो छे तेमामा वलसाड नगरपालिकाना कर्मचारीओ अने कॉन्ट्राक्टरोए पोतानी बुद्धिनुं प्रदर्शन कर्युं छे। तेमा एक तरफ ड्रेनेजनी लाइन उभराई रही छे तेवामां नगरपालिका रस्तो बनावी रही छे त्यारे हवे आ रोड आवनारा दिवसोमां केटला दिवसो टकी रहेशे ते जोवानुं रह्युं। अमदावाद में जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट ना जमीन विवाद ने लेने सामाजिक कार्यकर अतुल दवे पत्रकार परिषद योजी हती। जगन्नाथ मंदिर ने जमीन बारोबार वेची नाखवा मामले अतुल दवे जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट ने जमीन ने भाड़ा करार रद्द करीने बिल्डर पासे थी जमीन परत लेवा मांग करी हती। अमदावाद एसजी हाईवे पर इस्कॉन ब्रिज पर सर्जायेला अकस्मात केस में आरोपी तथ्य पटेल और पिता प्रज्ञेश पटेल विरुद्ध कोर्ट में ट्रायल शुरू करवा थई आवशे। कोर्टे पण केसनी ट्रायल शुरू करवा माटे तैयारी दर्शाई छे। आगामी 27 સપ્ટેમ્બરે केसनी ट्रायल शुरू थशे। उल्लेखनीय छे कि इस्कॉन ब्रिज पर थयेला अकस्मात में 9 लोकोना मौत थया हता।
अमदावाद में विदेश दंपति तोड़कांड विवाद मामले कोर्टे लीधेली सुओमोटो पिटिशन पर सुनावणी हाथ धराई जेमां कोर्टे मित्र तरफ हाईकोर्ट में सूचनों आप्या पोलीस कर्मचारीए तोड़कांड कर्यो होवानो पुरावो मळ्या होवानो सरकारे स्वीकार कर्यो छे। पोलीस कर्मीओए भ्रष्टाचार कर्यो होवाना पण पुरावा छे। राजकोट महानगरपालिकाना फूड विभाग द्वारा अलग अलग दुकानों पर चेकिंग हाथ धरवामां आव्युं। शहेरना प्रख्यात ईश्वर घुघरावाड़ाना त्यांथी लेवामां आवेला चटणीना नमूनानी कलरनी भेळसेळ होवानुं सामे आव्युं छे। जे बाद न्यू कन्हैया डेरी जय किसान डेरी अने न्यू कैलाश डेरी मांथी मिक्स दूधना नमूना लेवामां आव्या छे। धोराजी तालुकामां मोटी मारणमां जनता रेड बाद देशी दारूनो वीडियो वायरल थयो छे। आ मामले गामना महिला सरपंचे धोरा तालुका पीएसआई धर्मेन्द्र राखुलिया तेमने हैरान करता होवानो आक्षेप मूक्यो छे। जे अंगे धोराजी तालुकाना ग्राम पंचायतना सरपंचने तमाम सरपंचोए आवेदन पत्र आप्युं हतुं। अरवलीना मोड़ासामां गारुड़ी गामे सतत त्रीजा दिवसे डम्पिंग साइटने लईने विरोध यथावत जोवा मळ्यो। जेमां ग्रामजनो द्वारा पुलीखट पाटियाथी पुंसरी रोड पर ठेर ठेर आडस मूकी तेमज ज्वलनशील प्रवाही साथे विरोध अने सूत्रोच्चार करवामां आव्यो। ऑल इंडिया कोंग्रेस कमिटीना सेक्रेटरी बीएल संदीप सुरेन्द्रनगरनी मुलाकाते आवी पहोंच्या हता। सुरेन्द्रनगरमां कोंग्रेस नेताओ अने कार्यकर्ताओ साथे लोकसभानी चूंटणीने लईने तात्कालिक बेठक योजी लोकसभा पहेला कोंग्रेस तेनुं संगठन मजबूत करवानो प्रारंभ कर्यो छे। ते अंतर्गत सुरेन्द्रनगरमां बेठक योजाई। केडाना कठलाल नगरपालिकाना प्रमुख अने उपप्रमुखे तेमना पदेथी राजीनामुं आप्युं छे। प्रमुख पदेथी प्रशांत पटेल अने उपप्रमुख पदेथी जिग्नेश भावसारे सामाजिक तथा अंगत कारणोसर राजीनामुं आप्युं होवानी चर्चा छे। राजकोट कोर्पोरेशनना जनरल बोर्डमां कोंग्रेसना सभ्यो द्वारा होबाळो करवामां आव्यो। जनरल बोर्डनी बेठकमां रोगचाळा मुद्दे चर्चा करवामां न आवता कोंग्रेसे वॉकआउट कर्यो। तो कोंग्रेस द्वारा आक्षेप करवामां आव्यो छे कि शासक पक्ष खोटी रीते समय पसार करी रही छे। सौराष्ट्र युनिवर्सिटीमां एबीवीपी द्वारा विरोध प्रदर्शन करवामां आव्यो। आ विरोध प्रदर्शन होस्टेलमां प्रवेशथी वंचित रहेली विद्यार्थिनीओ माटे करवामां आव्यो। जेमां एबीवीपीए सौराष्ट्र युनिवर्सिटीना सत्ताधीशोनी आंख खुले ते माटे घंटनाद करी विविध मांगो करी। उल्लेखनीय छे कि आ अगाउ पण एबीवीपीए अने प्रोफेसरो वच्चे बबाल थई हती। संसदना विशेष सत्रनो आज त्रीजो दिवस छे। 19 सप्टेम्बरना रोज नवी संसदमां रजू थयेला महिला अनामत बिल पर आजे लोकसभामां चर्चा थई। महिला अनामत बिल पर चर्चामां कोंग्रेस संसदीय दलना अध्यक्ष सोनिया गांधीए मुख्य चर्चामां भाग लीधो। केन्द्रीय केबिनेटे संसदना विशेष सत्रनी सांजे ज महिला अनामत बिलने मंजूरी आपी हती। केन्द्रीय महिला अने बाळ विकास मंत्री स्मृति ईरानीए जणाव्युं के कोंग्रेसना नेता सोनिया गांधीनुं नाम लीधा विना निशानो साधता जणाव्युं के केटलाक लोको कही रह्या छे के आ बिल अमारुं छे। ज्यारे केटलाक लोको कही रह्या छे के तेमना पत्रने कारणे बिल लावामां आव्युं। वर्तमान बिल 15 वर्ष माटे अनामतनी ग्रीन आपे छे। घणा लोको क्रेडिट लेवा मांगे छे। कोंग्रेस पार्टीना नेता सोनिया गांधी लोकसभामां संबोधन दरमियान जणाव्युं के आ मारा जीवननो खूब ज भावनात्मक क्षण छे। देशमां पहेलीवार स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणीमां महिलाओनी भागीदारीने महत्व आपनार संशोधन मारा पति राजीव गांधी लाव्या हता। संशोधन जे ते समय राज्यसभामां 7 मतोथी पसार थई शक्युं नहोतुं। कोंग्रेस अध्यक्ष अने राज्यसभामां विरोध पक्षना नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जणाव्युं के वर्ष 2010 अमारी सरकारे राज्यसभामां महिला अनामत बिल पसार कर्युं हतुं। जो के कोई कारणसर ते बिल लोकसभामांथी पसार थई शक्युं नथी। आ माटे ज कहेवा मांगुं छुं के वर्तमान सरकार द्वारा जे बिल रजू करवामां आव्युं छे ते नवुं नथी। महिला अनामत बिल विशे बात करता कोंग्रेसना नेता प्रमोद तिवारीए जणाव्युं छे के जो भाजपनी नीति अने नियत सारी छे तो सत्ता पक्ष गेरंटी आपे छे के वर्ष 2024 लोकसभा चूंटणीमां महिलाओने अनामतनो लाभ आपवामां आवशे। पछात एससी एसटी वर्गनी महिलाओने सामेल कर्या विना सरकार अनामतनो लाभ केवी रीते आपशे।
शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर जणाव्युं छे के महिला अनामत मुद्दे बिल जेटलो उत्साह हतो तेना पर हवे पाणी फरी वळ्युं छे। संसदनुं विशेष सत्र बोलावी आटली गुप्त रीते आ बिल रजू करवामां आव्युं। आ बिल ने ज्यारे वाँच्युं तो खबर पड़ी के तेने जनगणना बाद लागू करवामां आवी शके छे। महिला अनामत बिल पर प्रतिक्रिया आपता बीएसपी पार्टी सुप्रीमो मायावती जणाव्युं छे के बिल ने बंने संसद माथी पसार कराया बाद तेने तात्कालिक लागू करवामां आवशे नहीं। आ पहला देश में जनगणना हाथ धरवामां आवशे अने त्यार पछी लोकसभा राज्यसभा अने विधानसभा की बैठक सीमांकन प्रक्रिया अनुसरवामां आवशे अने बाद में ज आ बिल ने लागू करवामां आवी शके छे। बिहारना मुख्य प्रधान अने जेडीयू चीफ नीतीश कुमारे पण महिला अनामत बिल ने समर्थन आप्युं छे अने निवेदन आप्युं छे कि तेओ ज्यां संसद अने राज्य विधानसभा में महिला अनामतना समर्थनमां छे। जो के तेओ एससी एसटी अने ओबीसी उपरांत आर्थिक रीते पछात जाति माटे पण पर्याप्त प्रतिनिधि होवुं जोईए तेवी वात कही हती। भाजप नेता सुशील मोदीए जणाव्युं छे के वर्ष 2004 थी 2001 सुधी यूपीए नी सरकार हती, कांग्रेस पासे सदन में पर्याप्त बहुमती त्यारे केम महिला अनामत बिल पसार शक्य नहीं। वर्ष 2010 में बिल राज्यसभा में पसार थयुं परंतु लोकसभा में केम अटकी गयुं। महिला अनामत बिल पर क्रेडिट लेवानी होड़ वच्चे केंद्रीय प्रधान निशिकांत दुबे कांग्रेस पर बाग प्रहार कर्या। संसद में महिला अनामत बिल पर चर्चा दरमियान निशिकांत दुबे कह्युं महिला अनामत बिल ने लईने सौथी वधु सुषमा स्वराज अने गीता मुखर्जीए अवाज उठाव्यो हतो। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरीए दावो कर्यो छे के केन्द्र सरकारे संसद सभ्योने आपेली बंधारणनी नवी नकलोनी आमुखमांथी समाजवादी अने धर्मनिरपेक्ष जेवा शब्दों गायब छे। अधीर रंजन चौधरीए दावो कर्यो छे के नवी संसद भवनना उद्घाटनना पहला दिवसे सांसदोने आपवामां आवेली बंधारणनी नकलमांथी आ बे शब्दों हटावी देवामां आव्या छे। जोधपुरना प्रवासे आवेला आसामना मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्माए प्रदेशना मुख्यमंत्री अशोक गहलोतनी विकास अने गरीबोनी मोघवारीनी राहत आपवानी वातने डारमां गणावी। तेमणे कह्युं छे के गहलोत आ नाटक बंद करवुं जोईए। उत्तराखंडना मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामीए राजस्थानमां चूंटणी प्रचार दरमियान जणाव्युं के उत्तराखंडमां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवा माटे अमे कमिटीनुं गठन कर्युं छे। टूंक ज समयमां ए कमिटी अमने ड्राफ्ट उपलब्ध करावशे अने तेना आधारे अमे प्रदेशमां यूसीसी लागू करवा तरफ आगळ वधीशुं। मध्यप्रदेशमां पक्ष पलटाना राजकारणमां कांग्रेसे सतत सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर भारे पड़ती देखाई रही छे। रोज कोई ने कोई बीजेपी नेता कांग्रेसमां सामेल थई रह्या छे त्यारे हवे कांग्रेसे सीएम शिवराज सिंहे चौहानना गढ़मां ज मोटुं भंगाण पाड्युं छे। नेशनल कॉन्फरन्सना नेता उमर अब्दुल्लाए जणाव्युं छे के केन्द्र सरकारे सुप्रीम कोर्टमां जणाव्युं के तेओ जम्मू काश्मीरमां चूंटणी करावा माटे तैयार छे अने आ मुद्दे केन्द्रीय चूंटणी पंच योग्य निर्णय ले, परंतु केन्द्र शासित प्रदेशमां एलजी मनोज सिन्हाए निवेदनमां कह्युं हतुं 80% लोको तेमने पसंद करे छे, आ माटे चूंटणी करावानी जरूर नथी। खालिस्तान समर्थक हरदीपसिंह निज्जरनी हत्या अंगेना विवाद वच्चे केनेडाए पोताना नागरिकों माटे नवी एडवाइजरी जाहेर करी छे। तेना नागरिकों माटे एक एडवाइजरी जाहेर कराई अने तेमां केनेडाए देशना लोकोने जम्मू काश्मीरनी मुलाकात न लेवा कह्युं छे। केनेडाए ते माटे सुरक्षानुं कारण जवाबदार गणाव्युं।